को आते हैं और क्या तालीम देते हैं सवाल यह है। उसके लिए पहले उनका बाहरी रवैया क्या होता सवाल यह है। बाहरी मोटा रवैया अब सबसे पहले आम महापुरुषों का ये रहता है, वो देखती है किस नजर से, उसी असल नजर से जो इंसान जिस शक्ल में है। इंसान कौन है? वो आत्मा देहधारी मन इंद्र के घाट पर घिरी पड़ी है, जिस्म का रूप बनी बैठी है, सबकी आत्मा चेतन स्वरूप है। आत्मा की रात वही है जो परमात्मा की रात ये हो, तो देखते ये सब आत्मा दे रहे। समाजों के बैजेज लगाए हैं मुख्तलिफ, पर हैं आत्मा दे रहे। तो हम तो समाजों की नजर से देखते हैं ना दुनिया को, समाज स्कूल और कॉलेज में जिसमें हम दाखिल हुए थे प्रभु प्राप्ति के लिए, प्रभु प्राप्ति समाजों का तलक है इंद्रियों के घाट से। जब आप ऊपर आ गए आपकी कौन सी समाज रह गई, तो वो आत्मा के लेवल से देखते हैं पहला नजरिया। सदगुण ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए, जो सबको मिलाकर बैठता हो। ये नहीं क्या हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, सुनो वो कहते हैं ऐ इंसान हो ऐ आत्मा देहधारी। तो वो आत्मा के लेवल से देखने के कारण सारी समाजें सब कौमें सब अपनी। एक बार हजूर को लाहौर का वाक्य है कि कुछ भाइयों ने कहा कि हम अपने स्कूल और कॉलेज खोल लें। लाहौर का वाक्य है, मैं वही था। कह लगे ये जितने स्कूल और कॉलेज हैं सब अपने हैं, ये जितने स्कूल और कॉलेज हैं सब अपने हैं, इनमें जो प्यार होता है हमारे पास आगे कितना नजरिया। तो वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से नजर से नहीं देते, वो कहते अपनी अपनी समाजों में रहो, अपने अपने भोले रखो, उन्हों के घाट से ऊपर आओ, वहां रियल ब्रदरहुड है, सब एक हो, एक ही पिता है तुम जिसके तुम बच्चे हो। इसलिए वो उस नजर से देखते तो सबको मिलाकर बैठेंगे लोग, ना किसी समाज को तोड़ते हैं ना नई कायम करते। हमारे जो समाज करते कई बार लोगों ने कहा कि भाई आप कुछ बाकायदगी कर रहे हो, कहने लगे भाई चीनी आगे बहुत लगे पर इतने कुओं पर और कुआं लगाने की क्या जरूरत है, तालीम वही है हम भूल रहे। एक बार हजूर जब आगरे से तशरीफ लाया, हजूर बने मेरे इंसाफ से हर एक समाज भाई प्रभु का नाम अनेकों है, सबसे ऊंचा नाम मालिक कोई का नाम है ना, वो ठीक है सब हाईस्ट नाम है। तो हजूर भाई मर्यादा परिषदों से कहने लगे भाइयों यहां मैंने कोई समाज नहीं रखी, इसलिए किसी समाज का रौरी यहां नहीं है। तो पास बैठे महाराज ये क्या कहते हो क्या कहते, मैं ठीक कह रहा हूँ मेरी बात समझेंगे, बतलाने का मतलब क्या। अरे भाई प्रभु के अनेकों नाम ऋषि मुनि महात्माओं ने रखे, दर्जे बदर्जे ऊंचे से ऊंचे पद का हर एक महात्मा ने अपना अपना नाम रखा है, कहीं मालिक उनके लिए, कहीं किसी पोल में वो इजहार करता है गुरु के लिए, बात वही। तो उनका पहला रवैया क्या है, मानुष की जात सबे की पहचान। देखिए बाहरी नजरिया, दो आंखें क्यों भाई सबकी, किसी की तीन आंख तो नहीं बनाई, दो कान दो नाक का दो हाथ दो पांव, अंतरी बनावट भी एक जैसी रखी, दिल है दिमाग है फिफड़े हैं, म्यूनिसिपैलिटी रोज काम करती है खुदा निकालती है हाथों को, बीमारी में एक तरह से पैदा मरते भी एक ही तरह पैदा भी एक ही तरह से होते, तो इंसान इंसान में क्या फर्क है, न बाहरी बनावट के लिहाज से न अंदरूनी बनावट के लिहाज से, और सेल्फ एनालिसिस के नजर से भी वो आत्मा है चेतन स्वरूप। मंदिरों के घाट पर गिरा पड़ा चेतन स्वरूप है, इसकी जात वही है, तू थी सतनाम की गोती, ये सतनाम की गोत वाली थी। मंदिरों के घाट पर गिरी पड़ी है, मनुष्य इन भागों से मिला है, ये से आधार होकर अपने आप को जान कर से प्रभु की गोद में जा सकती। तो ये नजरिया हमेशा महापुरुषों का रहता। गुरु नानक साहब आए यही बात पेश की, कबीर साहब आए उन्होंने यही बात पेश की, किसी समाज में रहो गुरु सिख बनो तुम्हारा जीवन बेड़ा पार होगा। तो उनका ये नजरिया होता, पहले महापुरुष साक्षी बोलते सांझी सगल जहां सारे जहां को एक सिक्का, ये नजरिया सबको मिलाकर बैठते। वो तालीम क्या देते हैं, वो समाजों की बनावट को न तोड़ते हैं न बनाते हैं, वो जाते जो बात थी भूल रहे थे उसको ताजा कर। गुरु अर्जुन साहब से यही बात पूछी गई थी क्या कि सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन है, तो फरमाने लगे सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करो।
हरि के नाम को जपो और निर्मल कर्म करो बात। ये सबसे धर्म से सही से धर्म। जोड़ा से पूछा गया हम क्या करें, कहते जान लिया आदमी होगा और प्रभु की फौज में दाखिल होगा। क्या क्वालिफिकेशन हो, कहते पारसाई। पारसाई किसको कहते हैं, कि गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड, शुभ भावनाएं, शुभ वचन और शुभ जीवन, शुभ कर्म। तो इस चीज को जो पहले भूल रहा था उसको ताला जी करते रहे। सबको पुष्टि देने आते हैं, ना किसी समाज को तोड़ने आते हैं, ना कुछ। जब मर्दम शुमारी हुई, मैं ये बातें क्यों पेश कर रहा हूं, इस बात को समझाने के लिए कि कितना विशाल हृदय था। तो लोगों को पूछे हम क्या लिखवाए अपने आप को, तो फरमाने लगे जो हिंदू है हिंदू लिखाएं, सिख सिख लगाए, ईसाई ईसाई लिखाएं, मुसलमान मुसलमान लगाए। आपने देखा ना लिया क्या है, एज ए मैन टू मैन, के मानव जाति समेत। तो ऐसे पूछो कि सो तो जाकर हमें क्या सबक मिलता है और क्या सबक मिला करता था, कि भूल जाता है इंसान बाहरी बनावट। बिसर गही सब तात पराई, जब से सात संगत में पाई, ना कोई बैरी ना ही बिगा, ना सगल संग हमरी बने। ये पहला नजरिया। आप भी अब भाई बैठे हो, आपको कुछ ख्याल है, तुम कौन ख्याल, जब जिसम से हटा बाहर आदर्श की तरफ नजर है, तो जात वही है जो आत्मा की है, आत्मा की जात वही है जो परमात्मा। तो ये है उनका हमेशा से नजरिया रहा, जो हमेशा कहते। इसलिए जब मैं अमेरिका में गया था, वहां के लोगों ने एक मीटिंग अरेंज की थी ईस्ट एंड वेस्ट, मुझे ईस्ट की तरफ चुना कि यू रिप्रेजेंट दी ईस्ट, मच्छे को तुम पेश करो, और वेस्ट से एक फ्रांस से आदमी ने आना था। जिस दिन मीटिंग हुई, फाक ऐसे हुई कि वेस्ट वाले ना पहुंचे, तो कहने नाउ वी लीव बोथ ईस्ट एंड वेस्ट टू यू, अब मच्छे को मगर दोनों आप पर छोड़ते। तो मैंने उनको कहा भाई ये सारी क्रिएशन उसी का घर है, इट इज हाउस ऑफ आवर फादर, इसमें जितने मुल्क हैं ये उसके कमरे हैं मुख्तलिफ, हवाई जहाजों के सबब से फासले का कोई सवाल ही नहीं रहा, इसमें शक नहीं है। कहा गया ईस्ट इज फॉर द ईस्ट एंड वेस्ट फॉर द वेस्ट, मशर मशर के लिए है, मगरब मगरब के लिए है, मैं दोनों का कभी आपस में मिलाप नहीं होगा, मगर ये हमने कहा कि ईस्ट एंड वेस्ट अलग अलग है। प्रभु ने तो एक ही घर बनाया, जो उसके रूप में समा जाते वो भी कहते हैं इस जग सच्चे की या कोठी सच्चे का विश्वास। इसलिए हम सारे एक ही पिता के बच्चे हैं, सब भाई। तो मेरा नजरिया मैं पेश कर रहा था जो संतों की नजर से था, उनका नजरिया ये है। इसलिए उनको सब कौमें प्यारी हैं, सब मुल्क प्यारे हैं। ये सवाल कहते तुम कौन हो, कभी पूछा किसी महापुरुष ने आपको? हाँ ये जरूर पूछा, क्यों भाई अपनी खेत खाते हो कि नहीं, किसी का तो नहीं खाते, खाने पीने का भरा, ये तो अलग बात है। समझ आ गई फिर भाई, कबीर साहब दिलाए थे, रविदास जी चमार थे, क्या मतलब कहना नहीं था, तुलसी साहब ब्राह्मण थे भाई, समाजों के लेवल हमने बनाए, बड़े नोबल पर्पज से बनाए गए थे, किसी समाज में रहने की बरकत है, किसी समाज में रहकर माफ करो उसके लिए जकड़ में मर जाना महापाप, किसी समाज में रहकर इतने ऊंचे चल जाओ कि मानव की जात सब एक ही नजर आए, इट इज बेटर टू बी बोर्न इन ए टेम्पल बट टू डाई इन इट इज सेंट, किसी समाज में पैदा होना एक बरकत है, मगर उसमें मर जाना ये पाप। तो बात समझे, तो आन भाई पुरुषों का ये नजरिया होता, ये समाज एक लिहाज से। वो जब भी आते कहते रहो किसी समाज में तुम इंसान बनो, इंसान बनो। इंसान किसको कहते हैं, जिसके अंदर उन सौ मोहब्बत और प्रेम का पुतला हो, जिसके अंदर प्रभु का प्रेम, परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये उसका स्वरूप है, ये भी प्रेम का स्वरूप है, जो उस प्रभु के प्रेम और विश्व के प्रेम से ओवरफ्लो कर रहा है, उसका नाम आत्मा इंसान। उसका और क्या है, एक बात सदाचारी जीवन बनाओ, मनुष्य इन भागों से मिला है, अपनी आत्मा को अपने प्रभु से जोड़ दो, बस। ये उनका बाहरी नजरिया रहा था। वो कहते हैं किसी समाज में रहो, ये समाजें या मजहब बड़ी नोबल पर्पज से बनाई गई थी, इनका मतलब था आजादी, आज है मन के घाट से अपने आप को जानना था, प्रभु की गोद में समाना था, मगर ये मजहब जो आजादी के लिए बनाए गए थे वो भी पैरों के जंजीर और हाथों की अस्थड़ी बन गए। खबरदार रहो किसी समाज में नहीं जाना, अरे कभी प्रभाव करते थे, वो कहते ये चीज हमको मिली है तुमको दी गई है,
जाओ जहां मर्जी, इसे अच्छी चीज मिले तुम भी लो मुझे भी बता। हम आखिर पृथ्वी पुजारी हैं ना, ये समाजों के यही कहना पड़ेगा जो तंग दिल तंग नजरी है। यहाँ पर पानी बहता ही अच्छा और फकीर चलता ही अच्छा, जहाँ बैठ गए स्टेग्नेशन हो गए, जहाँ स्टेग्नेशन होगी वहां जीती बदबू काले कौन भरी पोल। ये पेट प्रचार ने खासकर हर एक समाज में बड़ी अधोगति फैलाई। अनबरी पुरुषों के नजदीक ये कभी नजरिया नहीं, वो जरूर कहते हैं अपनी अपनी समाज में रहो। बहु पेख किया दही दुख दिया, अरे भाई छतरे बनाने से बदलने से कभी कभी मिलता, अरे भाई दिल के बदलने से नहीं, दिल को बदलो। तो उनका हमेशा से ये नजरिया रहा है और इसी के लिए वर्ल्ड काउंसिल को मैंने ये सवाल पेश किया था। इन्हीं ख्याल के सबब से उन्होंने मुझे पहली बार पहले दिन चुना, दोबारा फिर चुना। अब थोड़ी सी और बात बाहरी नजर के लिहाज में अभी अंतरी फैलू नहीं कर रहा हूं, क्या तालीम है इतनी थोड़ी झलक तो दे दीगी कि वो क्या होते। बाहरी शक्ल ये है पहली बात कि वो अपने किस करके आप खाते किसी का नहीं खाते, वो शो पसंद नहीं, प्रोपेगेंडिस्ट नहीं होते, एक्टिंग पोजिंग नहीं करते, अपने खट कहाल की छत्तों दे नाम कराओ पसंद से। पहली बात माताओं की नजर मार कर देखो, मानसी शोभतलाल से किताबें लिखी उनकी रॉयल्टी पर रहते थे, इसी तरह और महात्मा कुछ न कुछ कमाई अपनी कर ली और फिर बांध कर खा। तो मेरे याद करने का मतलब क्या है कि वो किस करके अपनी और सेवा मुफ्त में करते हैं। हजूर साहब 90 साल तक मैंने अभी याद किया था, 1994 में बाबा जी मिले, 3 में उन्होंने चोला छोड़ा बाबा जी महाराज ने, 1903 से 11 तक महोत्री में रहकर फिर 11 से 48 तक सेवा की। कहाँ रहे बाहर, बच्चे उनको मिल जाया करते थे, कभी कभी जाना साल महीना दो महीने, और अब ये कहना अगर मुझे गृहस्थी देखना हो तो वहां आओ खर्चे में आओ, अगर त्यागी देखना हो तो देर में आओ। तो सारी उम्र इसी सेवा में गुजारी और वो जायरा शक्ल इंसान जरूर रखते थे, मगर उसमें भी खास खास चीन चक्कर ऐसे बताए गए हैं जिनको पाकर इंसान कुछ अंदाजा लगा सकता। तो हजूर में खासकर जो आम महापुरुषों ने बयान किया है कि ऐसे पुरुषों की आंख शेर बबूल की तरह होती है, बड़ा जलाव होता है। क्यों आपको पता है, आंखें हैं इस जिस्म की खिड़कियां हैं जिसे रूह बाहर झांकती है, और रूह में जो रंगों इसी से नजर आते, क्रोधी की गुस्से की और धैर्य की आंख देखो लाल होगी, गुस्सा भड़केगा तुम्हारा, रेडिएशन होती है ना। जिसके अंदर प्यार हो वो नजरी में प्यार नजर आता, जिसके अहंकार हो की आंखी टेढ़ी हो। तो रूह के झांकने की जगह ये आंख, जिनकी रूह प्रभु से मस्त है चश्मे तो मत से खुदा, अरे उसने क्या है वो मस्ती की प्राण आती। तो स्वामी जी महाराज ने तो फरमाया ये आंखें हैं दौर घर की, इसमें प्रभु देख रहा मैं नहीं देखा, तो उनकी आंख में ये ताकीब होती, देखते हुए ना देखे कंट्रोल होते हैं, तो किसी को एक नजर देकर घायल कर ले। ये आंख बड़ी जबरदस्त चीज है, ये वो जबान बोलती है जो हजारों किताबें नहीं बयान कर सकती। तो उनकी आंख और रूह की जो झलक होती है वो खास किस्म की होती है। और उसके बाद मत्था कुशादा खुला मत्था हो, साथ ही साथ एक और है चाल कबक रफ्तार, जैसे वो चलती है ना कबक टिकोर ऐसे जाए, रूह परवाज करती है ना जमीन पर पांव नहीं जाता, रूह की चाल में देखो हमेशा ऐसे जाएगा। महापुरुषों को रूह में नशा होता है ना, ऐसे ऐसे जाते, और उसके साथ पैरों में पदम होता है। ये बयान किया गया है कि पैरों में पदम था किस किस के, भगवान कृष्ण के, गुरु अमरदास जी साहब के, जिसको पांव को देखकर किसी ज्योति कहा कि तुम बादशाह बनोगे, या दुनिया का बादशाह बने या रूहानी बादशाह में एक नहीं बनता। तो हजूर के पांव में पदम है, ये बाहरी निशानी में पेश कर रहा हूं। चाल कबक रफ्तार थी और एक और चीज भी थी, खासकर उनके चेहरे पर तिल था, क्यों था देखा नहीं ना, तिल था हजूर के चेहरे पर। तो हाफिज साहब ने इसका थोड़ा जिक्र किया है, अगर आ तुर्क शिरादी बदस्तार और दिले मारा, कि अगर वो शिराज का तुर्क उसका गुरु था ना कि मेरे दिल को काबू में कर ले, तो कहते मैं क्या करूंगा, बखाले हिंदुस बख्शे समर कर दो बखाले ना, उसके चेहरे पर जो खाल है उस पर ये दुनिया दोनों दुनिया को बांध दूंगा।
हजूर की बारी अगर उसने ध्यान कर रहा था उनको देखने से नए से नए तो भी ये बड़ा श्रीफ इंसान है, इतना जरूर हर एक पर प्रभाव पड़ता था। जो पास बैठ जाते था और ऊंचा चल जाता। वही याद है एक बार करतार सिंह नाबीना बड़े फिलासफर ज्ञान करतार सिंह नाम था, तो वो आए नाबीना थे बैठ गए हैं तो बड़ी ताक सुन सुना कर कहने लगे जी महाराज आज पहला दिन है मैं वो हूँ जो बड़े बड़ी स्टेजेस पर जाकर धुआंधार तकरीरें देकर लोगों के छक्के छुड़ा देता था। कोई मेरे सामने एक बार था दोबारा बार सामने आने का हिया नहीं करता था। आज पहला दिन है कि मैं तिफली मकतब होकर बैठा कई आलो फाल बड़े अकल का रहते आना बैठे जब बात सुनी तो चलते रहे बात आखिर तो अनुभव की है ना प्रभु ऐसा ऐसा कई लोग आते भाई चल अंदर तू भी चल नहीं चल नहीं चल किसी तो अनुभव पुरुष की निशानी ये है कि वो आप परवाह करता है लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस दे सकता है। किसी महापुरुष की ग्रेटर सिटी में लाई करती है मेरे कहने का मतलब सिर्फ उनमें ये सिफ्टी बाहरी लिहाज से। तो ये जो चीजें मैंने आपके सामने पेश की इन सब का मतलब आखिर क्या है कि वो ऐसी शख्सियत रखते थे जो खास किस्म की थी, खास ही जीवन वालों की खास ही शख्सियत होती है, शक्ल इंसानी जरूर होती है मगर बाजार रवैया रहने का कुछ और, बर्ताव का कुछ और जो वो चीज दे सकती और कोई नहीं दे सकता। तो इस हस्ती के वो मालिक थे। जब ऐसे पुरुषों को कोई इंसान बाहोश करके ये कहने चाहिए देख लेते थे तो वो उसकी गर्विदा हो जाएगा। खुसरो साहब थे, खुसरो साहब का क्या कायदा था, वो एक दफा कहने लग गए अपने मुर्शिद पर कुर्बान थे समझे। कहते एक दफा वो अपने मुर्शिद के पास जा रहे थे, खुसरो बादशाह था वैसे, उसी के पास जा रहे थे, ऊँटों की कतार थी, एक बार बाल बच्चे लदे हुए थे, कुछ सामान था ये वो जा रहे थे, तो एक और आदमी का इतफाक से वहां से गुजर हुआ, वहां से उसको देखकर कुछ दिल खिंच गया, कुछ खुशबू आने लगी, किसकी, अपने मुर्शिद की, अपने मुर्शिद की। तो उसको पास बुलाकर पूछा कि तू ये बता तू कहाँ से है, तू कौन है। क्या लगा जी मैं किस्मत का मारा हुआ, क्या हुआ भाई तुमको, मैं गया था तुम्हारे मुर्शिद के पास, वहां गया मेरी लड़की की शादी थी तो मैंने अब की महाराज हमें कुछ दो ताकि गुजारा हो जाए, चल अच्छा जो आएगा ले जाए साधु को, जो आज आए ले जाए, जो दे जाए को दे जाए, तो ले जाए, होल्ड नहीं करते बांटने के, संगत लाए संगत खा जाए। कोई खास है एक दिन दो दिन तीन दिन ला कोई ना, कहने महाराज मेरी तो आप तारीख आ गई शादी की, मैं क्या करूँ। अच्छा भाई और जोड़ा था फरा नहीं यूँ ले जाए, बेच लेना कहीं बेच लेना, लेकर किस बगल में मारी हुई जा रहा है। अब जिसकी नाक हो चुके रेडिएशन होती है हर चीज में, तो खुशबू आने लगी मुर्शिद की, क्या लगा ना ये जूता पुराना दिया है, जाओ भाई उसको बेच लेना कहीं गुजारा कर लेना, जोड़ा दिया आंखों पर रखा खेल पर रखा, क्या लगा भाई ये खरीदने के मैं काबिल नहीं, आज के नजराना दे सकता हूँ अगर तू कबूल कर ले तो। ये देखो मैं पेश क्या कर रहा हूँ, जब किसी शिष्य की गुरुमुख की आंख खुलती है ना गुरुमुख होकर, उसके दिल में उसकी कदर क्या बन जाती है। तो क्या किया एक दो ऊँट जिसमें बच्चे लदी वो छोड़कर बाकी सभी ऊँट उसके मारे से बाहर कर दिए। उसको लोग कहने लगे अरे भाई तू मुसलमान है तू तो बुत शिकन होना था बुत परस्त बन गया। तो क्या कहते हैं खल्क मी गोयन के खुश रहो बुत परस्ती में कुन, दुनिया कहती है क्या खुश हो तू बुत परस्त हो गया, कहते आरे आरे मैं कुनम खल तो आने का, हाँ मैं बुत परस्ती हूँ भाई तुम्हें क्या है मुझे पता मुझे क्या मिलता, आप बात समझे। ऐसे अन भाई पुरुषों को देखकर रूह को कशिश होती है, वहां मिलता जब वो बोलते हैं उस बोलने में एक नया राज खुलता, बड़ी मुश्किलें सिंप्लीफाई हो जाती। हमारे जो थे उनकी तर्ज बयान में के खास वक्त था वो क्या कि अन्य पास भी लुत्फ ले जाते थे अलग में पढ़ने वाले भी ले जाते, बड़ी सादा मिसालों से कि पढ़ा भी फायदा उठा जाए अनपढ़ भी फायदा उठा जाए, ये सामने तो जो उनको एक बार देख लेता गर्वीला हो जाता वो दीवाना मुस्ताना हो जाता, तो ना कोई रूहानी कशिश थी जिसको पाकर लोग बेबल हो जाते थे। और महापुरुष कहते भी हैं गुरु अंग साहब ने गुरु मानिक साहब चले गए तो गुरु अंग साहब ने क्या कहा
जीवन संसार के पास जी ऐसे महा को जीना किसका। अब देखिए कितनी भारी कैसी थी उन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये, अरे भाई जिन्होंने उस आंख को देखा वो उसको भूल नहीं सकते, जो उनके चरणों में रहे वो कैसे भूल सकते। अब सोच से कहना पड़ता है कि ऐसे महापुरुष को भी आज हम भूल गए, जो तालीम उन्होंने दी वो किनारे उनकी याद भी भूल रही है, सिख का जीवन याद में। गुरु को सिर पर रास्ते चलते आज्ञा मैं कहीं कभी इस दास को तीन लोग डरना, तो उसमें खास शिक्षित होती है रूहानियत खूबसूरती। काया कामण अत सवाल फिर वसे जिन्नाले, वो काया अति सुन रहा है जिसके अंदर वो प्रभु बात कर रहा है, वही सब जिस बल में लाइट है वही बल खूबसूरत है ना। हम सब मरे हुए हैं याद रखो, गीता पुष्कौन है संतों की इस्लाम है, सो जीव्या जिस मन में त्याग को नानक अवर में जीवे को, जिसके अंदर वो प्रकट हो रहा वही गीता पुष है, बाकी उसके सिवा कोई गीता पुष नहीं। तो आप कहेंगे कि हम तो सांस लेते हैं हम जीते हैं, कहते जैसे खाल लोहार की सांस ले प्राण, जैसे खाल में सांस चलता है ऐसे तुम्हारे देखो तुम मुर्दा हो गए। तो महापुर जब आते हैं वो कहते जिंदा परस्त मनो मुर्दा परस्ती छोड़ो, समझे। हरगिज मगों के काबा से बुतखाना बेतरस, ये कभी ना कहो कि काबा बुतखाने से अच्छा, अरे भाई काबे में हजरत अस्वद है, हजरत मोहम्मद साहब ने उसे चूमा था कि महापुरुषों की याद आज तक वो खुदा का घर सब मुसलमानों की याद रखी जगह, और जो मंदिर है इसमें बुत बनाकर उसकी याद हो रही है, दोनों जगह याद के बहाने हैं। तो कहने लगे तुमको ये इन दोनों में कौन और बेहतर नजर आता है, तो कहते हैं हर जा के हस्त जलवा जाना ना बेहतर, जहां पर उसका जलवा इजहार करना वो दोनों से बेहतर। इंसान भाई पुष हमारी तरह इंसान ही है, उसके अंदर वो प्रगट है, सबो कट मेरे साइया सुनी से नको बलिहारी तुझ घट के जाकर प्रगट है, बस उस घाट में प्रगट है वो जिंदा है, लोगों को जिंदगी दे जाता है, जिया दान दे भक्ति ला। अरे मुर्दा आलम भी मुर्दा है बेलम भी मुर्दा, जिनके अंदर जिंदगी नहीं है तुमको कैसे दे। ये स्वामी जी महाराज ने सौ से रहे कि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में जीव गुरु है जीव चिताए, गुरु बनकर लोगों की चिताते वो माले को इंसानी शक्ल मौला आदमी बनाया। और सच्ची बात तो ये है भाई कि परमात्मा को कोई भाई नहीं बंधु नहीं दोस्त नहीं मित्र नहीं है, तो उसकी खबर कौन दे सकता, जब उसका संगी नहीं साथी नहीं दोस्त नहीं मित्र नहीं माता नहीं पिता नहीं तो उसकी खबर कौन दे सकता। ये कहना पड़ेगा वो आप ही किसी पोल में इजहार करके अपनी खबर आप दे, ये कहना पड़ेगा ना। ये घड़ी मेरे हाथ में है, घड़ी देखती है मेरी उंगलों ने पकड़ा हुआ, इसके अंतर कौन है उंगलों के अंतर में, अरे उस अनुभवी पुरुष के अंतर कौन है जोड़ने वाला वो प्रभु। गुरु में आप सो शब्द होता है तो गुरु के अंतर भी वही पावर बैठी जोड़ने वाली है जिससे हम कभी दूर होकर आए। जब जीवों को दुखी देखते वो अवतार धारणा करता है और भक्तों की नजर को थोड़ी तसल्ली देने के लिए है तो घट घट में माना कि तू है दर खलवत कदर मैं मकी, हम मानते हैं तुम हमारे दिल दिमाग में हमारे जीवन का आधार अंतर में बस रहे हो, मगर जरा सामने आकर तू बैठ जाके नजर को कुए मिला, यहाँ से तुझे देखना चाहती है इसी रूप में। इसलिए कहते सामने वो फिर किसी अनुभवी पुष्यंत जब वो जलवा देता वो उसको वही तो खुदा नजर आने लगे है इंसान चलो, मगर जैसे हीर ने कहा था ना रांझा जोगीड़ा बना है उसको दो झलकी हो जाती है। मैंने एक दफा जरूर से अर्ज किया था कि महाराज आपसे बाबा जी महाराज से कभी दूर नहीं, तो आप कह रहे जो भाई बात सही है, जो बाहर सुख था वो दूर नहीं, जो बाहर का सुख वो कुछ बाहर में दो रंग हम जिंसियत हम दर्दी दो आंसू बहाना प्यार से प्याज करना अंतर में तो जो के घाटी ऊपर जाएंगे वही देखेंगे नहीं। जिनको ये नजर बन जाया करती है वो देख देख कर उनको रज पैदा नहीं होती। एक फकीर कहता है अगर हर खाए थे सद बार सौ बार भी रुख साजिश बसद दीदा, अगर हर घड़ी सौ सौ आंखों से उसके सौ सौ बार दर्शन भी करो हमें भी नहीं मशूक काने के रुख सारे दीदार, रज नहीं पैदा होती और देखने को जी करता नया से नया रंग लेकर आता।
यही फर्क है। उसके अंदर जहां हुस्न नहीं वहां इश्क भी पैदा नहीं होता। बुलबुल गुले दीवार पे पैदा नहीं होता। कभी देखा आपने दीवारों पर फूलों उखरे हुए हो उस पर बुलबुल क्या चाहिए हो? कभी नहीं। सच्चे फूलों पर क्या चाहती जिस इंसानी चतुर्चित्र वो जलवा क्रोध है हर एक इंसान को क्या चलेगा। यही हजरत बाबू ने कहा कि मेरे ये रोए हैं एक ही रो में 100-100 आंखें बन जाए। ऐसी 100-100 आंखों के साथ उसको देखा फिर भी वे एक न रजा हुई। यही नजरिया हम भूलते रहते हैं दिल में डालते रहते हैं। अगर हम एक प्रभु के पुजारी बने प्रभु सब में सबका जीवन आ रहा है और सबकी अंश आत्मा जो उसी की अंश है तो जगड़े पाप हो प्रभु से जुड़े और बांध कर खाओ सुख हो जाए। हर एक चीज का वाह निराज यही इसको जिस तरह बढ़ाया जा सके बढ़ाओ। तो हुकुल वतन होना अच्छा है समाज के पुजारी बनने से और समाज का पुजारी बनना अच्छा है कुंभे के परूरी से। अरे भाई जब तक मानुष की जान सब एक ही पहचान बहुत नानक नाम चेरी कला तेरे भरे सरबत का भरा ये नहीं होगा दुनिया सुख नहीं होगा। तो ये काम केवल महापुरुषों के हाथ में बात ये उनका नजरिया रहनी सहनी बाहर नहीं अंतर नहीं इसलिए उनके पास जाने ठंडक और शांति मिलती। तो हमारे अनुराग से तो उनके पास हर एक समाज के भाई वो भी जाया करते थे। भाई भाई को मिलने में क्या बड़ाई छुटाई रह जाती है बता गले लाकर देखेंगे भूल जाएगा सब। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि समाज दिन दिन बढ़ रही है हम पुजारी बन रहे हैं समाजों के चाले थे हर मिल को बीती अच्छी घर से निकले थे प्रभु पूजा के लिए बीती अच्छे समाजों के पुजारी बन गए भाई भाई के प्याले विवाह लोग ख्याल नहीं कर सकते जो पूछे ये कौन सी समाज है जहां मैं जाता हूँ ये कौन सी समाज है। अरे भाई यहाँ कोई समाज नहीं हैरानी से पूछे हैं यहाँ कोई समाज भाई नहीं रहो अपने बोले और डॉक्टरी सीखने उसके लिए कौन सी समाज की जरूरत है बड़ी साहू हाँ क्वालिफिकेशन चाहिए बीएससी एफएससी का इम्तहान पास कर लो जाओ मेडिकल कॉलेज में वहां से किनसे पढ़ोगे जो उसमें है सिंह है राम है दास है खान है दो दो संख्या सुन से पढ़ते हुए भी डॉक्टर बन जाने पर भी आप अपनी समाज में रहते हो। अरे भैया आत्म तत्व का बोध है एक काम सीखना है सीख लो वो क्या खाता है क्या समाज कैसे आपको क्या कर। तो ये है हमेशा नजरी अब जो महापुरुष पेश करते रहे हजूर ने जिंदा की उस महापुरुष की याद हम याद में बैठे हैं और यही सबक हमने सीखने सुनकर पल्ले बांधो जाहरी पेश कर रहा था मैं क्या तालीम दे। प्यारे भाई और बहनों अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना प्रभु को पहचानना प्रभु से अंग संग होना ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले हैं जो आईबॉल्स हैं ये सीधी सामने होनी चाहिए जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा और जो भाई बहन या नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें हमें सबके साथ जोड़ें
और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।